दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनमें से CSS भी एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, जिसका मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है जी। जो CSS एग्ज़ाम स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम, CSS एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC एक इदारा है, ठीक है जी। ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है इस्लामाबाद फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट टू पोस्ट BA17, और इसके थ्रू जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो BA16 स्केल्स के ऊपर हायर होते हैं इन द फॉलोइंग सर्विसेज अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो साल में इसका एक दफ़ा एग्ज़ाम अरेंज होता है, ठीक है जी, BA17 के लिए। CSS की इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है जी। अगर हम इसके सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें अराउंड अबाउट 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके 600 मार्क्स हैं, ठीक है जी, और 6 आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसके 600 मार्क्स होते हैं। तो अगर इन दोनों को जमा करें तो 1200 इसके मार्क्स बनते हैं। ओवरऑल पास करने के लिए आपको 600 मार्क्स लेना लाजमी है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं इसके इंटरव्यू के बारे में। 300 नंबर्स अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आपका नाम आता है, तो 300 मार्क्स इसके इंटरव्यू के होते हैं, और वो जो इंटरव्यू है उसमें आपको पासिंग नंबर लेने होते हैं। तो टोटल ये एग्ज़ाम है 1500 मार्क्स का, ठीक है जी, और ये पाकिस्तान का एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है। 1200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें 600 से ज़्यादा नंबर आपको लेने पड़ते हैं, तभी जाके आप मेरिट में शुमार हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।